आज आपके लेके आए हैं क्लास 7 चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर का थर्ड दो वीडियोज़। आपने बड़ी अच्छे से देख लिए होंगे। पहले वीडियोज़ में आपने हीट को समझा होगा, थर्मल हीट को समझा होगा और उसके कंसेप्ट को जाना होगा। सेकंड वीडियोज़ में आपने टेम्परेचर समझा होगा, कैसे टेम्परेचर मेजर करते हैं ये देखा होगा। थर्मामीटर कितने तरह के होते हैं ये आपने देख लिया, ठीक है। और कौन कौन से स्केल का यूज करेंगे टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, कैल्विन, ये भी आपने देख लिया होगा। और आपको ये भी पता चल गया होगा किस तरीके से क्या करते हैं भाई हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट स्केल ऑफ थर्मामीटर एंड व्हाई मर्करी इज यूज इन क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके, नाउ इट इज टाइम टू मूव फर्दर। बट वॉट मूव फर्दर? एक्चुअली हीट। हाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सिंपल बात करें तो जो ही हम लोग हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हॉट ऑब्जेक्ट से हीट हमारे बॉडी में कैसे आता है ये देखना है। अब हमारे पास तीन तरह का मटेरियल है आसपास में, बात करूं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस, ठीक है। ये है मटेरियल मीडियम। हमारे आसपास जो मीडियम होगा या तो सॉलिड के थ्रू हीट पास करेगा, या तो लिक्विड के थ्रू हीट पास करेगा, या तो गैस। सीधा बात करो, सॉलिड से या तो लिक्विड में, लिक्विड से या तो गैस में, या तो सॉलिड से सॉलिड में। यानी मीडियम क्या हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो क्या था कि हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, दूसरे का टेम्परेचर कम रहेगा। इट मीन्स हीट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर इज द की फैक्टर। देन हॉट ऑब्जेक्ट ट्रांसफर द हीट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। कब तक? टिल बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम एट सेम टेम्परेचर। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट इट मीन्स बोथ द ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम टेम्परेचर। एंड इफ दे गेन द सेम टेम्परेचर हीट इज नाउ नो नीड टू ट्रांसफर, ठीक है। तो मेथड नंबर वन बताते हैं आपको ट्रांसफर ऑफ हीट का, दैट इज द कंडक्शन। दैट इज कंडक्शन। एंड कंडक्शन इज द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल मीडियम डू नॉट मूव। पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल मीडियम डू नॉट मूव, दे ट्रांसफर द चार्ज और ट्रांसफर द हीट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। यानी जो पार्टिकल्स के मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि हीट को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो डिफिनेशन समझ में आ गया, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल मीडियम। तो ये किस में होगा भाई? तो सिर्फ वो उसी मटेरियल में होगा जिसके पार्टिकल्स जो होंगे बहुत नजदीक होंगे। तो ये होता है सिर्फ सॉलिड में। इन सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल मीडियम ट्रांसफर द हीट बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। हाउ दिस हैपन? लेट अस सी द डायग्राम। चलो देखते हैं। अब हमने आपके सामने दो डायग्राम बनाए। ये फर्स्ट डायग्राम, ये है फिगर नंबर फर्स्ट, और ये है आपका फिगर नंबर सेकंड। दिख रहा है दोनों? अब जरा गौर से बताना। फिगर नंबर फर्स्ट में जो ही आप गर्म करते हो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स से क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उसके पार्टिकल्स खुद नहीं जाते एक जगह से दूसरे को। समझो, यहाँ पे जो ही हम लोग हीट करेंगे तो ये वाला जो पार्टिकल्स है इसको हीट मिलेगा, और जो ही हीट मिलता है वो मूव करना शुरू करता, वाइब्रेट करना शुरू करता। लेकिन वाइब्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, क्योंकि वो क्या है? क्लोजली पैक्ड। तो जो ही इसको मिलेगा हीट, ये इस वाले को देगा,
ये इस वाले को देगा, ये इस वाले को देगा और ये इसको देगा, यानी क्या करता है अपने नियर बाई मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देता है। तो क्या ये वाला पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह गया? नहीं गया ना। तो विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इनटू अनदर। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लो। आपको क्या करना है, एक लोहे का रॉड लेना है। क्या लेना है? लोहे का रॉड। और इस लोहे को रॉड को स्टैंड से लगा दो। किससे लगा दो भाई? स्टैंड से अटैच कर दो। ये हो गया आपका स्टैंड, ठीक है। और यहां से इसको आप कैंडल से हीट करना शुरू करो। लेकिन हीट करने से पहले एक काम करना है, आपके पास मोमबत्ती होगा, वैक्स, ओके। आपको वैक्स के हेल्प से यहाँ पे 5 अलग अलग नेल को चिपका देना। फिक्स द नेल विद द हेल्प ऑफ वैक्स। वैक्स आसानी से मिल जाएगा ना, हाँ, चिपका दो। कितने नेल को हमने चिपका दिया? 5 नेल्स को हमने चिपका दिया। आप 4 नेल्स को भी चिपका के देख सकते हो, 3 नेल्स को भी चिपका के देखो। जितना ज़्यादा रहेगा आपके लिए ज़्यादा कंपटेटिव और आसान लगेगा। अब देख लो, अब जो ही इसको हीट करना शुरू कर दो, ओके, ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स एक एक करके क्या करता है, ये वाला मॉलिक्यूल्स लेगा, फिर ये वाला मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल्स मूव करके इसको देगा, ये वाला इसको देगा। तो सबसे पहले कौन सा नेल गिरेगा? सबसे पहले कौन सा नेल एब्जॉर्ब करेगा हीट? तो सबसे पहले करेगा नंबर 1, देन नंबर 2, देन नंबर 3, देन नंबर 4 एंड देन नंबर 5, बिकॉज पहला नेल जो होगा वो पहले हीट कंडक्ट करेगा। जब उसको हीट पूरा मिल जाएगा, जितना इसका टेम्परेचर है उसका उतना ही इसका टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, सेम टेम्परेचर आ जाएगा, फिर हीट वन वाले से किसको मिलेगा? सेकंड वाले को मिलेगा। किससे? आयरन रॉड से। ये क्या है? आयरन रॉड है। ये जो हमने लगाया है ये है आयरन रॉड। तो आयरन रॉड हीट होना शुरू हो गया कंडक्शन के द्वारा। और उसमें चिपका हुआ क्या है? नेल चिपका हुआ किसके हेल्प से? वैक्स के हेल्प से। तो पहले वैक्स गर्म होगा, वैक्स के वैक्स हीट कौन ट्रांसफर करेगा? नेल। तो पहला नेल पहले गिरेगा, फिर सेकंड वाला नेल गिरेगा, थर्ड वाला नेल गिरेगा, फोर्थ वाला नेल गिरेगा, फिर फिफ्थ वाला नेल गिरेगा ना, ठीक है। ये कंडक्शन हुआ कि नहीं? जो ही आप लोहे को रॉड को गर्म करते हैं तो आपके को गर्म नजर आता है। क्यों? कि लोहे के रॉड के अंदर जो हीट है वो आपके बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल बताओ, आप 5 दोस्त अगल बगल में बैठे हो, ठीक है, और फर्स्ट वाला फ्रेंड जो बैठा हुआ डेस्क पे वो सबसे लास्ट वाले फ्रेंड को बुक देना चाहता है, तो क्या करेगा? वो जस्ट अपने वाले को बगल को देगा, बगल वाले उसके बगल को देगा, बगल वाले उसके बगल को देगा, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो, आप कहीं मूव करने नहीं जा रहे हो, यानी जो सोर्स ऑफ हीट है, जहाँ से हीट मिल रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, बल्कि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने ही जगह रह के ट्रांसफर करता है। मेन बात यही है कि कंडक्शन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर जो होता है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। कन्फर्म हो गया, यानी सॉलिड में हीट का ट्रांसफर किस मेथड से होगा? कंडक्शन के द्वारा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। ये लिक्विड में नहीं होगा ना गैस में होगा। कंडक्शन इज ऑनली पॉसिबल इन सॉलिड बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी नियर क्लोजली पैक्ड। देन ट्राई टू मूव बट कैन नॉट मूव बिकॉज देयर इज वेरी लेस गैप। या तो नहीं रहता है भाई, गैप ही नहीं रहता है उसके। समझ में आ गया? अब देखते हैं एप्लीकेशन क्या है कंडक्शन का। तो जो भी सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये सब गुड कंडक्टर है, क्योंकि ये सब मेटल है। उल, एयर, प्लास्टिक, दीज आर द बैड कंडक्टर। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा? कि जो हैंडल होता है कुकिंग यूटेंसिल्स का, खाना बनाने का बर्तन जो होता है, उसके हैंडल को कवर किया जाता है किससे? या तो प्लास्टिक से या तो वुड से, बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर एंड डू नॉट अलाउ हीट टू पास इनटू योर हैंड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया,
why cooking utensils are made up of metals? Because metal are good conductor of heat. Heat को क्या करता है? आसानी से conduct कर लेता है. बात समझ में आ गया? एक और बात बताएं. बताते. ठीक है. वो जो आप स्वेटर पहनते हो, क्या पहनते हो? स्वेटर. वो स्वेटर आपके बॉडी को ठंडी के समय गर्म रखता है. क्यों? क्योंकि वो जो स्वेटर है ना, उस स्वेटर के जो फाइबर है, उस फाइबर के बीच में क्या भरा हुआ रहता है? एयर स्पेस, हवा रहता है वहां पर. और एयर तो बैड कंडक्टर है भाई, तो हीट को जाने कैसे देगा अपने अंदर से? तो वो तो हीट को ट्रांसफर ही नहीं करता. नहीं ट्रांसफर किया तो एयर बैड कंडक्टर है, इसलिए हीट को वापस जाने नहीं देता. इसलिए आप देखते होंगे जो कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स है वो आसानी से रह पाता है, उसको कोल्ड कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर जो फर रहता है, फर समझते हैं ना, वूलन फर जो रहता है, उसके बीच में गैप होता है, उस बीच के गैप में क्या भरा रहता है? एयर. और एयर बैड कंडक्टर है जो उसके बॉडी के हीट को बाहर नहीं जाने देता. उसके बॉडी का हीट बॉडी के अंदर ही रहता है. ठीक है, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं होता है. बॉडी का हीट आउटसाइड तो उसका बॉडी गर्म बना हुआ रहता है. कंडक्शन समझ में आया? चलो अब कन्वेक्शन बताते हैं. आप फटाफट इसको लिखो पहले कॉपी में. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड मेथड, वो है कन्वेक्शन. ये सिर्फ किस में होता है? ये सिर्फ होता है आपको लिक्विड में और गैस में. क्यों? क्योंकि लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं होते, बिल्कुल दूर होते हैं, और उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. ठीक है, अब क्या होगा भाई, मैं बताता हूँ. डिफिनेशन पहले जान लो. द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर बाई एक्चुअल मूवमेंट ऑफ, इसमें मूवमेंट होता है किसका? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. सॉलिड का पार्टिकल्स तो बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ गैस की और लिक्विड की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? केवल गैस और लिक्विड का, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं ना बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, अब फ्री टू मूव होते हैं. अब फ्री टू मूव है तो मूव कराओ, कौन रोका है? मूव कराने के लिए और हम उसको हीट दे देते हैं, हीट मिलती है और उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेजी से मूव करना शुरू करता है. जरा देखो कैसे मूव करता है. आपने क्या किया? बीकर में ले लिया वाटर और वाटर को गर्म करना शुरू किया. अब देखो क्या होगा. व्हेन वी हीट द वाटर, द लोअर पोर्शन, जो नीचे वाला पोर्शन है, वो हीट एब्जॉर्ब तो पहले करेगा लेकिन गर्म नहीं होगा. यानी बीकर के नीचे वाला पोर्शन का पानी पहले गर्म नहीं होगा. आप गर्म कर रहे हो नीचे, पानी गर्म होगा ऊपर. अजीब लग रहा है ना सुन के, गर्म कहाँ कर रहे हो नीचे, हो कहाँ रहा है ऊपर, बताएं कैसे? चलो देखते हैं. ये जो वाटर इसमें भरा हुआ है, आप लोअर लेवल पे गर्म करते हो. अब यहाँ का मॉलिक्यूल जो लोअर लेवल पे है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करता है, और आपको पता है कोई भी हीट एब्जॉर्ब करता है ना तो फ्री टू मूव हो जाता है, हल्का हो जाता है, इजिली मूव करता है. मूव करके कहाँ चलाएगा भाई? ऊपर चलाएगा, टॉप पे. कहाँ चलाएगा? टॉप पे चलाया. बॉटम से कहाँ चलाया? टॉप पे. यानी जो ही गर्म करते हैं हम लोग, वो जो पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करते ही लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है. हल्का हो गया, कहाँ चला जाएगा? ऊपर. अब ऊपर में जो आता है तो वहाँ पे जितनी भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो सब तक कोल्ड होता है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस है भाई. तो ये हॉट मॉलिक्यूल्स से वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. ये जो मॉलिक्यूल्स हीट को लेके कहाँ गया? ऊपर वाले पोर्शन में. तो एक प्लेस से वो मॉलिक्यूल्स दूसरे प्लेस पे चला गया ना. मूव किया कि नहीं हुआ, एक्चुअल मूवमेंट हुआ कि नहीं? अब जो ही हीट को ट्रांसफर करेगा तो ये वाला जो मॉलिक्यूल्स फिर से ठंडा हो जाएगा. भाई गर्मी निकल गया ना, हीट ट्रांसफर कर दिया ना. जो बॉटम से मॉलिक्यूल्स हीट लेके गया, वो टॉप वाले मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर कर दिया, हीट ट्रांसफर करते वो फिर से ठंडा हो गया. कोल्ड होने के बाद वो हैवी हो गया, हैवी होने का फिर से कहाँ चला है? नीचे. समझ बात आ? फिर नीचे से उसको हीट मिलेगा, फिर वो हल्का होगा, फिर वो हल्का होकर कहाँ जाएगा? ऊपर. यानी जब लिक्विड को आप लोअर पोर्शन में गर्म करते हो तो लिक्विड एक्चुअली अपर पोर्शन में गर्म होता है. अरे जब ऊपर से भी करोगे तब भी वो ऊपर ही गर्म होगा.
तो लोअर पोर्शन में गर्म करते हैं, कहाँ चला जाता है मॉलिक्यूल्स ऊपर। तो जब आप वाटर को गर्म करते हैं सबसे पहले कहाँ गर्म होता है, टॉप, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे और सबसे लास्ट में बॉटम। तो याद रखना कन्वेक्शन में सबसे पहले टॉप वाला पार्टिकल्स गर्म होता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे और सबसे लास्ट में वो जगह जहाँ पे आप गर्म करते हो। तो ये जो आपने देखा मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट इज हॉट टूवर्ड द कोल्ड रीजन, ये एक वेव है, मूवमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करेंट। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्शन करेंट। व्हाट इज कन्वेक्शन करेंट? सिंपल, करेंट मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द हॉटर पार्टिकल्स टूवर्ड द कोल्डर रीजन। पूरी बातें लिखी गई, जब वाटर को गर्म करते हैं पार्टिकल्स एट द बॉटम, जो बॉटम में पार्टिकल्स वो एनर्जी गेन करता है और गेन करने के बाद क्या हो जाता है भाई, हल्का हो जाता है और हल्का होते वो मूव करता है कहाँ पे, टॉप ऊपर चला जाता है, ऊपर वाले को दे देता है और फिर से वो कैसा हो जाता है भाई, वो कोल्ड हो जाता है, कोल्ड होने के बाद वो फिर से हैवी हो जाता है और नीचे चला आता है। ये प्रोसेस चलता रहता है जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। चलो अब बताते हैं लैंड ब्रिज क्या होता है और सी ब्रिज क्या होता है। ब्रिज का मतलब पता है? बता दूं आपको, स्लो मूविंग एयर, अगर धीरे धीरे हवा अगर मूव करे तो उस हवा को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं जब वो धीरे धीरे मूव करता है। ये वो ब्रिज नहीं है जिस ब्रिज पे आप चल के जाते हो। द कॉन्स्टेंट स्लो मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड वेव चलता है, हॉट वेव चलता है, बताते हैं कैसे चलता है, फटाफट इसको कॉपी में लिख लो। अब बताते हैं आपको क्या भाई, ये लैंड ब्रिज क्या होता है और सी ब्रिज क्या होता है, ठीक है। आराम से इसको समझना, बहुत क्लियर कंसेप्ट है। अब देखो, सन का जो रेज होता है वो तो लैंड के ऊपर भी पड़ता है और सी के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। तो लैंड के ऊपर भी एयर का स्पेस है और सी के ऊपर भी एयर का स्पेस है, यानी एयर सराउंड है चारों ओर। तो पहले गर्मी कौन लेगा? एयर, चाहे वो लैंड के ऊपर का हो चाहे वो सी के ऊपर का हो। तो जो ही सन का हीट पड़ता है दिन के टाइम में, पहले दिन की बात करते हैं, तो डे टाइम में, कौन से टाइम की बात करते हैं हम लोग, डे टाइम। डे टाइम में जो एयर है लैंड के ऊपर का, ठीक से देखना, डे टाइम में द एयर अबव द लैंड हीट्स अप फास्टली। लैंड के ऊपर का हवा जो होता है वो क्या होता है, जल्दी गर्म होता है, इतना याद रखना। लैंड के ऊपर का हवा जल्दी से गर्म भी होता और जल्दी से ठंडा भी होता है। और वाटर का क्या रीजन है कि वाटर देर से गर्म भी होता है और देर से ठंडा भी होता है, याद रहेगा। एयर अबव द लैंड हीट्स अप क्विकली एंड कूल्स डाउन क्विकली, बट एयर अबव द सी हीट्स अप स्लोली एंड कूल डाउन स्लोली। अब चलो मैटर की बात करते हैं। दिन के टाइम में जब सूरज की रोशनी पड़ती है, धूप पड़ता है, ठीक है, तो लैंड के ऊपर का जो हवा है वो जल्दी गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद कहाँ चला जाएगा, हल्का होगा तो ऊपर चला जाएगा। और सी पर का हवा, सी के ऊपर जो हवा है वो तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर का पूरा हवा मूव करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एज कंपेयर टू द सी। तो अब क्या होगा, सी पर का हवा कूल रहेगा और लैंड पर का हवा वार्म अप रहेगा, गर्म रहेगा, तो गर्म हवा ऊपर चला जाएगा। अब जो ही गर्म हवा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर का जगह हो जाएगा खाली, क्योंकि हवा कहाँ चला गया भाई, ऊपर, खाली हो गया ना। अब ये खाली जगह को भरने के लिए ठंडा हवा कहाँ चलाएगा, खाली जगह जहाँ मिलेगा वहाँ पे चलाएगा। यानी जो ही ये गर्म हवा ऊपर जाता है यहाँ पे लोअर प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, यानी एयर का प्रेशर कम हो गया, तो ये जो इसका कोल्ड एयर है सी का वो कहाँ चला आता है, लैंड पे। तो फायदा क्या होता है, जो लैंड पे लोग रहते हैं सी के बगल में, उनको सी से ठंडी ठंडी हवा दिन में आती रहती है। कहाँ आती रहती है? दिन में आती रहती है। अब आप बोलोगे चलो दिन में तो आ गया, बट धीरे धीरे क्या होता है, दोपहर का टाइम आते आते, दो तीन बजे आते आते लैंड पर का हवा भी उतना ही गर्म हो जाता है और सी पर का हवा भी उतना ही गर्म हो जाता है भाई। उस समय किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो रात होने लगती है
आपने फील किया होगा, रात होते हुए टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, सामने बहुत गर्मी रहती है बट रात में फिर से टेम्परेचर डाउन होता है, आखिर क्यों? अभी पता चलेगा भाई, घबराने की क्या बात है, अभी देखो आराम से देखो पता चल जाएगा। अब देखो रात में क्या होता है, रात के समय लैंड पर का हवा और सी पर का एयर, दोनों एयर में सबसे पहले कौन ठंडा होगा? सबसे पहले ठंडा होगा लैंड पर का एयर, और ये इसका एयर तो कहाँ रहेगा, इसका पूरा एयर घूम के रहेगा बाहर ऊपर की ओर। तो इस खाली स्पेस को भरने के लिए क्या होगा, जो लैंड पर का कूल एयर है, जो उस समय कूल है, वो भी एयर कहाँ चलाएगा, सी की ओर चलाएगा। अगर थोड़ा भी गर्मी है लैंड पर के एयर का एज कंपेयर टू सी, तो सी पर का तो ठंडा रहेगा ना, क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, लेकिन ठंडा होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब ठंडा होने की बारी आती है तो सी का जो एयर ऊपर चला गया तो देरी से नीचे आएगा एज कंपेयर टू द लैंड, और लैंड पर का हवा देरी से जल्दी से ठंडा होकर नीचे चला, जो ही नीचे चला आता है इसको बगल वाला क्या लगता है, एरिया खाली, ये जो बगल वाला एरिया रहता है वो क्या लगता है, खाली। तो लैंड पर का जो हॉट एयर है, थोड़ा सा हॉट क्या बोलोगे, कोल्ड एयर बोल दो इन द कंपेरिजन, जो कोल्ड एयर रहता है लैंड का वो कहाँ चला जाता है, सी में। अब कोल्ड एयर हम किसके कंपेयर में करते हैं, एज कंपेयर टू द एयर अबव द सी, तो सी के ऊपर जो हवा है उसके कंपेयर में लैंड का एयर थोड़ा ठंडा है, तो यहाँ से एयर कहाँ चला गया, सी में। तो क्या हो गया, दिन के समय क्या हो गया, दिन के समय जो सी का ठंडी हवा है वो चला आया, रात के समय जो लैंड पर का थोड़ा भी ठंडा हवा है या गर्म हवा वो सब कहाँ चला गया, सी में। टेम्परेचर मेंटेन हो गया ना, अच्छा लगा, समझ में आया, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, इसको कॉपी में अच्छे से लिख लेना, फिर अगले दिन लेके आएंगे नया वीडियो, इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे क्या कन्वेक्शन, तो देख लिया कंडक्शन, तो देख लिया, अब क्या बचा हुआ, रेडिएशन, अभी देखना है, चलो अभी दिखाते, फटाफट लिख लो इसको, चलो आपको बताते रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना हवा के प्रेजेंस में, बिना सॉलिड के प्रेजेंस में, बिना गैस के प्रेजेंस में, जो सन से जो हीट हमारे पास तक पहुंचता है ड्यू टू द मेथड ऑफ रेडिएशन। तो सिंपल, रेडिएशन इज द मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल मीडियम। तो जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पर भी एयर पास करेगा तो नहीं, क्योंकि वैक्यूम है, लेकिन हीट का ट्रांसफर होगा, वो किसके कारण हुआ, तो रेडिएशन के कारण हुआ, ठीक है। अब रेडिएशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ द हीट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द, नो, विदाउट एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल्स की जरूरत नहीं, वेव के रूप में मूव करता है, किसके रूप में मूव करता है, वेव के रूप में, वो भी वेव बिना पार्टिकल्स का, इसको वेव नेचर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ब्लैक कलर है, तो सन का हीट कैसे पहुंच गया भाई, सन का हीट जो आप तक पहुंचा वो किसके द्वारा पहुंचा, रेडिएशन के द्वारा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब ये जो ब्लैक कलर देख लेना, ब्लैक कलर हम लोग क्या है बोलते हैं भाई, ठंडी के दिनों में डार्क कलर या ब्लैक कलर के कपड़े पहनो, और गर्मी के दिनों में क्या करो, व्हाइट, क्यों, इसलिए कि व्हाइट कलर जो होता है वो रेडिएशन जो होता है सन का उसको कम एब्जॉर्ब करता है, अब ब्लैक कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, अब समझ में आ गया, ब्लैक कलर इसलिए पहनते हैं क्योंकि हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और रेड कलर का क्लॉथ इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हीट को, व्हाइट क्लॉथ वाला जो कपड़ा होता है वो हीट को लेस एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। थर्मस फ्लास्क आपने देखा है, देखा होगा थर्मस फ्लास्क, उसमें क्या क्या बना रहता है, ग्लास रहता है ना, और क्या रहता है, बीच में गैप रहता है, वैक्यूम बना हुआ रहता है, और पीछे से पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या करता है वो थर्मस फ्लास्क, लॉस ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन
conduction and radiation. जिस कारण से क्या होता है, वो हॉट ऑब्जेक्ट को हॉट रखता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट को कोल्ड रखता है, और क्या करता है, मेंटेन टेम्परेचर, हमेशा टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ना तो वो हीट को ट्रांसफर होने देता है किसके द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, ना तो कंडक्शन के द्वारा, ना तो रेडिएशन के द्वारा. अब जो शीशा का बना हुआ रहता है ना, वो कंडक्ट नहीं होने देता है, उसके बीच में गैप रहता है जिसमें एयर भरा हुआ रहता है. यानी ये जो आप देख रहे हो कौन सा, कन्वेक्शन किसके कारण होता है, एयर के कारण. एयर है आसपास गैप, इसीलिए नहीं. कंडक्शन क्यों, क्योंकि वो किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है और प्लास्टिक का बना होता है, इसलिए क्या होता है, कंडक्शन नहीं हो पाता है. और ये रेडिएशन क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, सिल्वर पेंटिंग, उसमें सिल्वर का पेंट कर दिया जाता है, पेंटिंग कर दिया जाता है, जिससे रेडिएशन नहीं होता है. तीनों हो गया भाई, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों में से किसी को नहीं होने देना. इसलिए थर्मस फ्लास्क क्या करता है, गर्म को गर्म रखता है और ठंडे को ठंडा. बट आप अपनी पढ़ाई को ठंडा नहीं करना, ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना. बोर्ड पर जितने भी लिखे उसको नोट्स बना लेना, ठीक है, क्लास में टॉप करके दिखाना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, और दोस्तों को बोलो लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.